और अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत के मौके पर अदालत ने इस्तफसार किया कि नोटिस के बावजूद नैब ने जवाब क्यों नहीं जमा करवाया। बेहतर है हुकूमत कोई वाज़े स्टैंड ले। अदालत ने नैब की सजा मंजूर करते हुए जवाब जमा करवाने के लिए 24 दिसंबर तक की मोहलत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अली बाकर नेजवी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने समाअत की। मरियम नवाज की जानिब से आजम नजीर और सदर लाहौर हाई कोर्ट बास हफीजुर रहमान चौधरी अदालत में पेश हुए। नैब की तरफ से आज जवाब जमा ना कराया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि नैब को नोटिस जारी किया था, जवाब क्यों जमा नहीं करवाया गया। जस्टिस अली बाकर निजी ने कहा कि बेहतर है कि हुकूमत कोई वाजे स्टैंड ले। नैब वाजे मौकफ दे, हम कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। जिस पर नैब ने जवाब के लिए मोहलत मांगते हुए कहा कि आइंदा समाअत पर जवाब जमा करवा देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की इस्तदा पर जवाब जमा कराने के लिए नैब को मोहलत देते हुए समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।